नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। शुरुआत आज की पहली और सबसे बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के बीच चल रही कलह पर हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आपसी मतभेद खत्म करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वहीं नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके साथ साथ 2 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए जाएंगे। ये हिंदू और दलित समुदाय के होंगे। इसको लेकर आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी। फिलहाल सुनील जाखड़ पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन और सिद्धू की जंग में सुनील जाखड़ की कुर्सी की बलि चढ़ सकती है। हालांकि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए आने वाले दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में भी कुछ नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। पार्टी में 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने के पीछे भी वोट की राजनीति हो सकती है। दरअसल इस बात को लेकर भी कांग्रेस में मतभेद था कि पंजाब में पार्टी की कमान हिंदू नेता को सौंपी जाए या फिर सिख नेता को। बता दें कि पंजाब इकाई की कलह पर कांग्रेस आला कमान ने बुधवार को बैठक की थी। इसका समाधान निकालने की संभावना जता दी गई थी। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के मुद्दे पर चर्चा की थी। हरीश रावत ने पार्टी की पंजाब इकाई में चल रही कलह को जल्द खत्म होने का संकेत देते हुए पहले कहा था कि अगले 3-4 दिन में पंजाब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आने वाली है। हरीश रावत ने कहा था कि पंजाब कांग्रेस में हर कोई खुश होगा। ताजा फैसले से ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे नवजोत सिंह सिद्धू क्या खुश हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह खुश हैं? और इसके साथ ही सुनील जाखड़, जिनकी कुर्सी पर खतरा है, क्या वो खुश हैं? और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जगतार सिंह भुल्लर, कांग्रेस के लिए, पंजाब कांग्रेस के लिए ये राहत का फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का जब नाम फाइनल हो चुका, जो पार्टी प्रभारी हरीश रावत उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू अगले पार्टी अध्यक्ष होंगे, तो निश्चित तौर पे पंजाब का जो कांग्रेस था वो काफी अपने आप को ये अभी से महसूस करने लगा कि अब जो पंजाब में जो वर्कर है, जो लीडर, उनकी सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों पार्टी और सरकार जे आपस में मिलकर चलेंगे, क्योंकि मैच 5 महीने बाकी है और ये बड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है। क्योंकि एक कमान में अक्सर बोला जाता है कि एक ही तलवार डाली जा सकती है, जहाँ एक पार्टी में एक ही कैप्टन होता है, एक टीम में एक ही कैप्टन होता है, तो जहां तो आप दो दो कैप्टन बन चुके, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन साथ के साथ ये भी कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस समय महसूस किया जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू एक विनिंग हॉर्स है, तो विनिंग हॉर्स के तौर पर ही राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से उन पर दाव खेला गया है। जी, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में सुनील जाखड़ की कुर्सी पर खतरा बना हुआ नजर आ रहा है, क्या अब ऐसा लग रहा है कि बाद में उनकी नाराजगी देखने को मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो कि जो सुनील जाखड़ा, उनकी जो टर्न्योर वो भी खत्म होने वाली थी और उनको एक्सटेंशन, लेकिन जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद जब सीट हार गए तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको मना लिया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि सुनील जाखड़ को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेशनल सतत का जो किसान सेल है, वहां उनको जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो हाई कमान है, उनकी जो नजरें हैं कि 2022 में कांग्रेस रिपीट कैसे करेगी, उसको लेकर ही नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष के तौर पे देखा जा रहा है कि ये एक बड़ा चेहरा हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक विनिंग हॉर्स है। और 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी के लिए विनिंग हॉर्स थे, अब नवजोत सिंह सिद्धू, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को दिल्ली तलब किया गया था। 80 MLA गए थे, 2 दफा खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह गए थे, और हर एक जो सिद्धू को जाने वाले थे उन्होंने कहा कि सिद्धू को पार्टी से माइनस करके नहीं देखा जा सकता, वो एक ऐसे क्राउड पुलर और उनका एक अपना विजन भी है। तो इसी के चलते अब हाईकमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ये फैसला लिया कि अगले जो पार्टी के अध्यक्ष है वो सुनील जाखड़ की अब जगह नवजोत सिंह सिद्धू होंगे।
लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके के बयान हमने देखे नवजोत सिंह सिद्धू के, और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की तारीफ की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी तारीफ उनकी की, क्या लग रहा है कि भविष्य में किसी तरह के ऐसे संकेत फिर से मिल सकते हैं, या फिर ये तमाम जो कयास थे कि आम आदमी पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हो सकते हैं वो पूरी तरह से खारिज अब हो चुके हैं? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू तो सवाल पैदा नहीं होता कि वो कहीं और पार्टी में जाएंगे। उनके जो ट्वीट था, उस ट्वीट के बहुत सारे लोगों ने गलत मायने निकाले गए थे। उनका तो यही कहना था कि उनकी पार्टी के साथ साथ विपक्ष के लोग भी ये महसूस करते हैं कि अगर पंजाब की कोई चिंता कर रहा है तो वो नवजोत सिंह सिद्धू है, लेकिन उसके सियासी मायने निकाले गए कि वो आम आदमी पार्टी के प्रति सॉफ्ट है। लेकिन फिलहाल उन्होंने पहले बोला था कि वो पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि उनपे दारोमदार आ चुका, ऑफिशियली किसी समय भी पार्टी हाईकमान की तरफ से उनके नाम की घोषणा हो सकती है, लेकिन जो पार्टी के इंचार्ज हरीश रावत, उन्होंने एक चैनल के माध्यम से इशारा कर दिया कि हाईकमान ने फैसला कर लिया नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के अध्यक्ष होंगे, और एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है जिसकी पंजाब में सरकार, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा भी वो सोचेंगे कि एक नेशनल पार्टी को छोड़कर कहीं और पार्टी में वो जाए। लेकिन एक बात हम समझें कि अब क्योंकि जो मतभेद की खबरें थी वो खत्म हो चुकी हैं, और ये इस फॉर्मूले के बाद में जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, क्या लग रहा है कि वो उत्साह के साथ अब काम कर पाएंगे, क्योंकि 2022 सामने है, आम आदमी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, बीजेपी भी कोशिश कर रही है, शिरोमणि अकाली दल लगातार प्रदर्शन कर रही है, अब ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़े यार नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें तो पंजाब कांग्रेस की बात करें या नेशनल लेवल की बात करें तो वो तमाम गिने चुने नाम है जो उन चेहरों में आते हैं। अगर पंजाब में करें तो तीसरा चौथा नंबर होगा नवजोत सिंह सिद्धू का, प्रकाश सिंह बादल हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गए, फिर नवजोत सिंह सिद्धू हो गए। रही बात अब ये, क्योंकि एक प्रधान होने के नाते अब टिकटें बांटने को के लेकर भी प्रधान की काफी बड़ी भूमिका होती है, और रही बात जो कांग्रेस के लोग है जब वो भी कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के को छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू के कितने पास आते हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू एज ए टीम लीडर उनको कैसे ना लेके साथ चलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात है कि पार्टी अध्यक्ष वही कामयाब होगा जिसकी सरकार के मुखिया, मतलब मुख्यमंत्री के साथ 36 का आंकड़े की बजाय प्यार मोहब्बत वाला और आपसी जो इक्वेशन होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, वो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों ने तलवारें निकाल के रखी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोल दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मेरे घर के दरवाजे बंद है, तो ये काफी चुनौती रहने वाली है। अब दोनों की कैसे बैठकर बातचीत करते और दोनों की जिम्मेवारी होगी, अब हाईकमान ने बोल दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष होंगे और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बने रहेंगे, तो ये दोनों आपस में बैठकर पार्टी और सरकार दोनों के बीच में जो तालमेल है उसको लेकर कैसे चलेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है दोनों के लिए भी और हाईकमान के लिए भी। लेकिन साथ में वर्किंग जो प्रेसिडेंट बनाने की बात कही जा रही है कि एक दलित चेहरा होगा, एक हिंदू चेहरा होगा, इससे क्या साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और इसके क्या सियासी मायने अभी पंजाब में है मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए? देखिए, ये तो दिल को लुभाने वाली बात है, सीएम के साथ आप 3 डिप्टी सीएम लगाओ लेकिन सीएम सीएम होता है, पर पार्टी अध्यक्ष के साथ आप 2 वर्किंग प्रेजिडेंट लगा दो, वो प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट होता है जिसके पास पावर होती है। लेकिन ये कि एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब में क्योंकि दलित गिनती काफी है, वोट बैंक काफी है, उनके तरफ से किसी को एमएलए को या और किसी को जिम्मेवारी दी जा सकते हैं, चाहे डॉक्टर राजकुमार वीर का हो सकते हैं, चाहे संतोष चौधरी हो सके, अगर हिंदू की बात करें तो बहुत सारे, अश्विनी शेखड़ी हो गया, विजेंद्र सिंगला हो गया, राकेश पांडे हो गया, सुरेंद्र डावर हो गया, ये तमाम चेहरे। लेकिन देखिए, मुखिया तो मुखिया ही होता है, उसके साथ चाहे आप 50 वर्किंग प्रेसिडेंट लगा दो, 50 जनरल सेक्रेटरी लगा दो, लेकिन जो चलेगी वो पार्टी अध्यक्ष की चलेगी। लेकिन ये है जरूर है कि एक सामाजिक सिस्टम को लेकर वो एक तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी कि हर धर्म को, हर जात को पार्टी में बराबरता की जिम्मेवारी दी गई है, बराबर जिम्मेवारी दी गई। तब देखिए कौन हिंदू होगा, कौन दलित होगा ये। लेकिन हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से दांव खेलने की कोशिश की गई थी कि यहाँ किसी हिंदू को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी महसूस किया गया कि अगर पंजाब में सिख अध्यक्ष नहीं होगा तो फिर क्या केरला में, महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में होगा एक सिख प्रेसिडेंट? तो ये कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को, कि उस कांग्रेस पार्टी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सेकुलरिज्म के पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई थी, जिस पार्टी ने देश को प्राइम मिनिस्टर सिख दिया था, राष्ट्रपति सिख दिया था, गृह मंत्री सिख दिया था, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो दाव खेलने की कोशिश की तो बुरी तरह फेल हुई है। लेकिन अंत में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि 22 के चुनाव सामने हैं, और ऐसे में कैप्टन की हम बात करें या नवजोत सिंह सिद्धू की, क्या वो दोनों एक साथ बैठ करके या एक साथ आकर के इस चुनौती को समझ पाएंगे, या फिर आगे भी इस तरह के कोई हालात बनते नजर आ सकते हैं? देखिए, ये हाईकमान को क्या, हरीश रावत तो पार्टी इंचार्ज है, वो भी ये अपनी जिम्मेवारी छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद उत्तराखंड में सीएम के तौर पे इलेक्शन लड़नी है। अब हाईकमान किसको पार्टी की जिम्मेवारी देते, हरीश रावत की जगह कौन प्रभारी हो सकता है, ये अब सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरफ से फैसला लिया जाएगा। लेकिन हाईकमान ने जो फैसला लिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को साफ बोल दिया था कि आप सरकार देखो, पार्टी कैसे चलानी वो हम देखें, तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जगतार सिंह भुल्लर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि पंजाब में किस तरीके के सियासी समीकरण जो लगातार बिगड़ते नजर आ रहे थे, उनको साधने के लिए कांग्रेस ने एक नया फॉर्मूला बनाया, जिसके तहत कैप्टन जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन साथ में नवजोत सिंह सिद्धू जिन्हें कांग्रेस की कमान मिलेगी, इसके अलावा दो वर्किंग प्रेसिडेंट जरूर हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव सामने हैं, और ऐसे में कांग्रेस किसी भी हाल में कोई गलती दोहराना नहीं चाहती। अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर चले आए हैं। यह उनका एक हफ्ते में दूसरा दिल्ली का दौरा है, जहां आज उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री रेल मंत्री से राज्य में प्रस्तावित रेल परियोजनाओं और नई रेलगाड़ियों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की। बता दें कि अभी रविवार को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे से वापस लौटे थे, और कल देर शाम फिर से दिल्ली से 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, बहुत सारी रेलवे की जो परियोजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, उन योजनाओं की जो आगे और प्रगति होनी है उसके संबंध में बात हुई है, और दो तीन जो हमारे जो देवबंद रुड़की रेलवे लाइन है, हमारी ऋषिकेश देहरादून डोईवाला रेलवे लाइन है, हरिद्वार से जो देहरादून की रेलवे लाइन है, और साथ में टनकपुर बागेश्वर जो कि हमारा सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का स्थान है वहाँ के लिए, क्योंकि देश के सुरक्षा नीति के हिसाब से भी, और जो है हमारी सामरिक दृष्टि से भी, और भौगोलिक दृष्टि से भी, और वहाँ लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के संबंध में मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है, उन्होंने उस पर जो है आगे भरोसा दिया है कि जल्दी ही उस पर जो है कार्रवाई करें। कोई ऐसी योजना जो 2022 के चुनाव से पहले पूरी होने के चांसेस हो, रेल नहीं? देखिए, रेलवे की जो योजनाएँ हैं वो बड़ी दीर्घकालिक होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उस पर काम करेंगे और कुछ चीज़ों पर शिलान्यास हो जाएगा, और साथ ही साथ जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन जो कि हमारी चार धाम को टच करती है, उसको जल्द से जल्द उस पर काम हो और जल्द से जल्द पूरा हो, उसके लिए मैंने अनुरोध किया। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो कांवड़ की बात है, कांवड़ जो कि आते सभी प्रदेशों से हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से भी आते हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी आते हैं, उनका सबका केंद्र हमारा हरिद्वार बनता है। इसलिए हमने कहा कि चूंकि आकर सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठे होते हैं, और वो संख्या कोई 5-10 लाख नहीं होती है, वो संख्या हमारी 3 करोड़ से भी ज़्यादा जाती है, इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले सबकी जान माल की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कहा कि इस बार हम कांवड़ यात्रा, चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वेरियंट आ रहे हैं, तो उसको लेकर हमने जो है यात्रा न करने का फैसला लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले लोगों की जान माल की रक्षा हो। सर, तो बॉर्डर करने का फैसला तो लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड के बॉर्डर कांवड़ियों के लिए सील हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हमने लोगों से अपील की है कि लोग स्वयं ही जो है इस पर एहतियात बरतें, और अगर नहीं बरते तो एहतियात बरतें हमने कहा। जो को लेकर महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात की है, और रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश में रेल के संचार को और बेहतर करने के साथ साथ चारधाम यात्रा तक को लेकर उन्होंने बात हुई है, और इसके साथ ही दूसरी इस वक्त की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांवड़ यात्रा को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तराखंड से नोटिस भेज करके जवाब तलब किया है, और ऐसे में उन्होंने इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि करीब 3 करोड़ के आसपास श्रद्धालु
हरिद्वार पहुंचते हैं, उनका केंद्र हरिद्वार होता है और ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम लोगों की जान के साथ किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, यही वजह है कि उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि जब पत्रकारों ने, मीडियाकर्मियों ने उनसे सवाल किया कि जो लोग अभी भी आएंगे उन लोगों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सिर्फ लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग हरिद्वार ना पहुंचे, वो अपने अपने इलाके में, अपने जो पास में मंदिर हैं वहीं पर पूजा अर्चना करें, जल अभिषेक करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश से लगभग अगर हम बात करें तो जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनका हर साल हम देखते हैं कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां से जल लेकर अपने अपने इलाके में पहुंचते हैं। और इस बीच रुकेंगे, छोटे से ब्रेक लें, उसके ब्रेक के बाद हमारे संवाददाता हमारे साथ देहरादून से रोहित विक्रम सिंह जुड़ेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसी खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये इतनी जल्दी एक बार फिर से दिल्ली दौरा हुआ है, किस तरीके से इसको लेकर देहरादून में हलचल हो रही है? बिल्कुल मोहित, देखिए शपथ ग्रहण समारोह जब मुख्यमंत्री पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी ने ली तो उसके बाद सीधे वो दिल्ली गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की। तमाम जो योजनाएं भारत सरकार की उत्तराखंड में संचालित हो रही है और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनकी फंडिंग को लेकर और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर उन्होंने विचार विमर्श किया। हालांकि लौटने के बाद ये मालूम चला कि जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं और कुछ एक मंत्री और हैं जो केंद्रीय स्तर के हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी पुष्कर सिंह धामी की, और संगठन में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनसे मुलाकात कुछ पेंडिंग थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम को दिल्ली रवाना हो गए हैं। और आज इन्होंने पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की है और सीएम धामी ने रुड़की देवबर परियोजना में उत्तराखंड राज्य द्वारा वर्तमान तक दिए गए 296 करोड़ की धनराशि के अंशदान को प्राप्त मानते हुए परियोजना के अवशेष कार्यों को का वित्त पोषण रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के द्वारा किए जाने का रेल मंत्री से अनुरोध किया है। और पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जनपदों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का नैरो गेज के बजाय ब्रॉड गेज लाइन से सर्वे कराया है। मुख्यमंत्री ने इसके फाइनल लोकेशन की सर्वे की स्वीकृति के साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध भी रेल मंत्री से किया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी सिग्नल लाइन हरिद्वार और देहरादून के बीच में है, दोहरीकरण के लिए 1024 करोड़ रुपए की डीपीआर के साथ ही डोईवाला से ऋषिकेश के लिए सीधे रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायवाला रेलवे स्टेशन पर डाइवर्जन लाइन के निर्माण को जल्द स्वीकृति देने का भी आग्रह यहाँ पर रेल मंत्री से किया है। और साथ में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने अपने अधिकारियों को इन दोनों प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने यह भी कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रधानमंत्री उत्तराखंड की बड़ी देन है, क्योंकि प्रधानमंत्री, लेकिन रोहित, इन तमाम चीजों के बीच अगर हम कांवड़ यात्रा का जिक्र करें, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट नोटिस तक जारी कर चुकी है और ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जान बचाना हमारे लिए जरूरी है और उत्तर प्रदेश पहले से ही तैयारियों की बात कह रहा है, बोल रहा है कि 25 तारीख से हमारे यहाँ से श्रद्धालु हरिद्वार के लिए रवाना होंगे, तो क्या लग रहा है कि टकराव की स्थिति बन रही है? जी बिल्कुल, नहीं, टकराव की स्थिति नहीं बनेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके अंदर खाने के जो सूत्र ये बताते हैं कि ये तमाम, जैसे मैंने आपको कहा कि संगठन के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे तो ये कांवड़ यात्रा के विषय को लेकर भी बीते रोज जिस तरह से संगठन प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा हुई है और एस एस संधू जो मुख्य सचिव है और तमाम जो वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव है उनसे भी वार्तालाप हुई है। उसके बाद दिल्ली रवाना
लोकसभा संगठन के नेताओं से मिलना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ वर्षों पूर्व ही ये घोषणा की थी और ये वादा किया था तमाम कांवड़ियों से कि कांवड़ यात्रा को कभी प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। और यहाँ पर समस्या ये हुई है क्योंकि पिछले साल भी कांवड़ यात्रा को सरकार ने, राज्य सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, तो इस साल भी ये निर्णय लिया गया है। अभी हाल ही में जो कुंभ हुआ, महाकुंभ, उसको एक पीक पॉइंट बताया गया कि ये सेंटर रहा है कोविड के दूसरी लहर का। तो ऐसे में जो नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि लगातार वो अपनी इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि लोगों की जान बचाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो रुख करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर का। पाकिस्तान हाई कमीशन भारतीय एजेंसियों ने एक बार फिर से रडार पर दिल्ली पुलिस का दावा है कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठा एक शख्स जासूसी का रैकेट चला रहा है। इस शख्स का कोर्ट नेम कमल है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के लिए आरोप में गिरफ्तार हबीब खान में मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिरासत में आया भारतीय सेना का एक क्लर्क कांस्टेबल परमजीत लिंक में मैन था। परमजीत पहले पोखरण में तैनात था। पुलिस के मुताबिक हबीब को परमजीत सेना से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देता था। बदले में परमजीत को 2 से 3 लाख रुपए मिलते थे। उसे अब तक लाखों रुपए मिल चुके हैं। परमजीत पहले पोखरण में तैनात था, बाद में आगरा में तैनाती हुई थी। हबीब खान को पाकिस्तान हाई कमीशन ने ट्रैक किया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हबीब खान ने कहा था कि अगर उसे अपने रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान जाना है तो उसे वीजा इस शर्त पर मिलेगा जब वो भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी ISI को मुहैया कराएगा। हबीब को कैश पैसा गोपनीय जानकारी जुटाने के बदले पाकिस्तानी हाई कमीशन से जुड़े लोग देते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक ऑपरेशन पर यह काम कर रही थी, तभी खबर मिली कि कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हमारे दुश्मन देश को भेजे जा रहे थे। इसके बदले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर हबीब खान को धर दबोचा। फिर आर्मी कांस्टेबल परमजीत की भी पहचान हो गई। इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू स्थित एयरफोर्स स्टेशन के समीप बुधवार रात एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिए हैं। हालांकि एयरफोर्स स्टेशन के पास लगे एंटी ड्रोन सिस्टम ने इस ड्रोन का उसको डिटेक्ट करते हुए उसके आगे बढ़ने के प्रयासों को विफल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन कंट्रोल टावर से करीब 670 मीटर की दूरी तक आ गया था। जम्मू एयरबेस पर लगे एंटी ड्रोन सिस्टम ने इस ड्रोन को जाम कर दिया, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। और इसी पर और ज्यादा हमारे साथ चर्चा करने के लिए ललन सिंह जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ANP न्यूज पर। एक बार फिर से सर ड्रोन देखा गया है और इसके साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके ऊपर आरोप है कि उन लोगों ने देश की मिलिट्री से जुड़ी हुई और सेना से जुड़ी जानकारी दुश्मन देश के साथ साझा की है। देखिए मोहित जी, बहुत साफ है कि अभी पाकिस्तान और चीन दोनों इस तरह की हरकतें और नापाक इरादों पे इतने लगे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग चाहे वो फौज में हो सकते हैं या उनके स्लीपर सेल से हो सकते हैं या उनके ऐसे लोग जो कि उनको किसी आर्थिक मदद देके या जाति और धर्म के नाम पे अपने बना के और भारत की जो सूचनाएं हैं चाहे फौजी हो या सिविलियन हो और वाइटल पॉइंट के हो या वाइटल इंस्टॉलेशन को वो लगातार कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को दिए जाए, लेकिन इसके लिए ISI बहुत पूरी तौर पर मुस्तैद है। मैं आपको दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए अफगान में तालिबान जो है सत्ता एक्सटेलियन कश्मीर के भी ये खतरे की घंटी बन चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे विदेश मंत्री ने 3 सूत्रीय एजेंडा SCO में दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो बताया है कि हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ लगातार इसको काउंटर करने के लिए लगी रहती है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन जो हमारे यहाँ से पाकिस्तान को दिया जा रहा था उसके ऊपर एक रोक लग गई, नकेल कर दिया गया। बहुत खुशी की बात। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो ड्रोन है वो ड्रोन जो होता है उसमें 4 रोटर होते हैं जिससे सहारे जिसे उड़ाया जाता है और रोटर में लगी जो ब्लेड हवा के जरिए हवा के नीचे धकेला जाता है और फिर ये ड्रोन ऊपर जाता है। लेकिन जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, DRDO ने एक ऐसा एंटी ड्रोन ड्राइव तैयार किया है जो लेजर के सहायता से उसे UAV को लॉक करता है और दुश्मन के किसी भी ड्रोन को जुड़ा सकता है। नंबर 2, डिफेंस सिस्टम में काम की जो हमारी काबिलियत है उसमें UAV को
हैंडल करने वाले से संपर्क तोड़ने का इसमें डिवाइस है। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, एनएसजी ने सीमा के ऊपर पूरी तौर पर सेट कर दिया है एंटी ड्रोन सिस्टम, जो जम्मू में खास करके तो अभी काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तबियत भी इसमें है जो एक्टिविटी 3 किलोमीटर पहले ही उसको रोक देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंसर और फ्रीक्वेंसी को भी रोकने का ताकत इनके एनएसजी के द्वारा जो काउंटर ऐसे लोगों को तो रोक लिया जाएगा, दुश्मनों की हमारी पहचान है, लेकिन वो दुश्मन जो हमारे घर के अंदर बैठे हैं, छिपे हुए हैं, ऐसे लोगों से कैसे भारत बचे, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत खतरनाक ये मतलब स्थिति है, जो लोग हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं और वो इस तरह की नापाक हरकतों में साथ दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक शोचनीय विषय है। मैं आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी जो लखनऊ में हुआ, जो दरभंगा में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, इनसे एक बात तो क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कम था इसलिए आपकी और बात नहीं हो पाई, लेकिन आपने जो जानकारी दी वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के 3 बजे की 3 खबरों में मेरे साथ अपना ही, लगातार खबरों के लिए देखते रहें एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।